दोस्तों मोटोरोला जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपने एक अल्ट्रा लेवल फ्लैगशिप स्मार्टफोन को, जिसका नाम होगा मोटो एज एक्स। एंड ये स्मार्टफोन चाइना में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, एंड उसके बाद ये स्मार्टफोन इंडिया में एंड ग्लोबली भी लॉन्च होगा। एंड दोस्तों आज इस स्मार्टफोन के रेंडर्स, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड सारी चीज़ों को लीक किया जा चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्च डेट के बारे में, एंड दिखाऊंगा आपको इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक की, तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है मोटो एज एक्स स्मार्टफोन। बैक साइड से यहाँ पे आपको स्लाइटली कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगी, एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी कैमरा मॉड्यूल में ही एम्बेडेड मिलेगा। पीछे की साइड आपको मोटो की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्लिम बेजल्स देखने को मिलेंगी एंड फ्लैट एजेस देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलेगा, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिलेगी, गूगल असिस्टेंट बटन देखने को मिलेगा, बॉटम की साइड में आपको यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा एंड डिवाइस का प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अच्छा खासा दिखने वाला है स्मार्टफोन, एंड मेरे को तो काफी नया सा डिजाइन लगा मोटो की तरफ से। आपको इस स्मार्टफोन का डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिलेगी एंड प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगी, एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन IP52 रेटेड होगा, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ ये स्मार्टफोन होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि फ्लैट होगी, एंड 144 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, एंड 576 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच एमग्रेड देखने को मिलेगा। HDR 10 प्लस सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कौन से ग्लास का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई लीक निकल कर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कैमरास की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास देखने को मिलेंगे। पीछे की साइड यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का होगा मेन OIS कैमरा जो कि होगा ओमनीविजन OV50A सेंसर, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा जो कि होगा सैमसंग का JN1 सेंसर, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जो कि होगा ओमनीविजन OV20B1B सेंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरास तो काफी तगड़े मिलने वाले पीछे की साइड से। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पे आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जिससे कि आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के यहाँ पे आपको कैमरास देखने को मिलेंगे दोनों साइड, पीछे भी और आगे भी, एंड दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट 60MP सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है स्मार्टफोन। बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डे टू डे यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको अल्ट्रा लेवल की परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें रैम की, तो यहाँ पे आपको 8GB/12GB LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 5X रैम देखने को मिलती है, एंड 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अप टू 12GB यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगी एंड अप टू 256GB स्टोरेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, 5000mAh की यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगी एंड 68W की फास्ट चार्जिंग आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मोटोरोला की तरफ से काफी तगड़ी चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा 0 to 50 इन जस्ट 15 मिनट्स में, एंड दोस्तों 0 to 100% चार्ज होने में ये स्मार्टफोन सिर्फ 35 मिनट्स का टाइम लेगा। बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफोन्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़ा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको MIUX देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट 2 एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 14 का अपडेट भी आपको इस स्मार्टफोन में आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा, एंड दोस्तों NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे।
बात करें सिक्योरिटी की तो दोस्तों यहाँ पर आपको फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा एंड ये मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको थिंक शील्ड फॉर मोबाइल का प्रोडक्शन भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम रॉकर बटन होगा एंड दोस्तों यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गूगल वॉइस असिस्टेंट बटन भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की तो दोस्तों स्मार्टफोन लीक्स में तो दो कलर वेरिएंट्स में निकल कर आया है, ब्लू एंड ग्रे कलर में एंड दोस्तों आपको और कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं लॉन्च के टाइम पे। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की तो दोस्तों स्मार्टफोन दिसंबर में चाइना में लॉन्च होने वाला है, कन्फर्म हो गया ऑफिशियली कि स्मार्टफोन दिसंबर के महीने में चाइना में लॉन्च होगा एंड दोस्तों स्मार्टफोन ग्लोबली एंड इंडिया में हो सकता है कि Q1 2022 में लॉन्च हो एंड दोस्तों इंडिया में एंड ग्लोबली स्मार्टफोन रीब्रांड करके लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन का नाम होगा मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा एंड दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस की तो दोस्तों स्मार्टफोन इंडिया में अराउंड 60 के यानी कि 60,000 रुपए के आसपास के प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। ये लीक्ड प्राइस है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता लेकिन कहा जा रहा है कि इसी प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों यही थी कुछ बातें जो मैं आपको मोटो एज एक्स स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।